हमारी प्यारी सी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम आपके साथ वेजिटेबल चावल बनाने की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये दो मीडियम साइज के प्याज डाले हैं। तो आज मेरे हस्बैंड जो है, आज मुझे बुखार है, आज मेरे हस्बैंड बना रहे हैं वेजिटेबल चावल, बहुत अच्छे बनाती हैं, तो आपको दिखाती हैं आज। अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसमें दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। और सब्जियों में आधा किलो गाजरें हैं और आधा किलो आलू है, आधा किलो शिमला मिर्च है, आधा किलो बंद गोभी है और एक पाव मटर है। अब इसमें मसाले ऐड कर दिए, दो चम्मच इसमें दड़ा मिर्च है और दो चम्मच नमक है इसमें, और तीन टमाटर है, टमाटर और एक चम्मच हल्दी और एक पाव दही, और इसमें ऐड करके ना मसाले डाल दिए। ये मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया। अब इसमें मटर ऐड कीजिए, मटर और आलू और गाजरें भी ऐड कर दी हैं। इसको अब अच्छे तरीके से भूनते हैं। 5 मिनट भूनने के बाद फिर इसमें पानी ऐड करती हैं। तो अब ये सब्जियां हो गई हैं, तो इसमें पानी ऐड कर दिए। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जी। अब सब्जियां अच्छे से, वो दूसरी सब्जियां गल गई थी, तो ये अब शिमला मिर्च और बंद गोभी अभी ऐड की है। 2 मिनट के बाद इसके अंदर चावल ऐड करती हूँ। तो आपने बताना है, ये आपको फाइनल लुक आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपने बताना है कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दिया करें। अब हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। एक किलो चावल थे हमारे पास। जी तो अब इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देते हैं, तो फिर दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। जी अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खिले खिले चावल बने हैं। अब इनकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे खिले खिले बने हैं चावल। आपने कमेंट करके बताना है आप सबको कैसे लगी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की मज़ीद रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते रहें। तो अब आपको डिश आउट करके दिखाती हैं जी। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसको कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।